हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हम खोबे की गुजिया बनाने वाले हैं। जो गुजिया सबसे फेमस डिश होती है, पकवान होता है त्योहारों पे के लिए। तो इस तरह से देखिए, उसके लिए मैंने ये खोबा मंगाया हुआ है। 1 किलो खोबा है ये मंगाया हुआ है। इसको हम अच्छे से पहले तो भूंज लेंगे, अच्छे से उसको कढ़ाई में चला लेंगे जिससे कि थोड़ा अच्छे से पक जाए उसको। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कढ़ाई में उसको डाल दिया है और अब ये पकने लगा है। अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, थोड़ा सा रेडिश होने तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब गुजिया में हम जो है शक्कर पीस के डालेंगे। तो चलिए, हमने जार में भर ली है शक्कर, जितनी हमको मीठी गुजिया रखना है उस हिसाब से हमने शक्कर ले ली है। और उसको जो है जार में हम मिक्स मतलब ग्राइंडर कर लेते हैं तो अच्छे रहता है, क्योंकि इसमें खोबा वगैरह में मिलाने में अच्छा रहता है। इस तरह की पिसी हुई शक्कर मिलाने से टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो बड़े बड़े दाने से दिखते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो शक्कर है वो पिस गई है, हमारा खोबा भी जो है लगभग अच्छे से भुन चुका है। आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा रेडिश ब्राउन सा कलर इसमें आया है। तो अब जो है हम इसमें ही खाली करके, और ये जो सूजी है, थोड़ी सी सूजी भी हम इसमें मिलाएंगे, तो उसको भी हमने फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। तो बस ये देखिए, जो है हमारा खोबा हमने खाली करके रख ही लिया है, शक्कर भी पीस ली है, फिर सूजी भूंज ली है, इस तरह से इलायची पाउडर बना लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स जो हम गुजिया में डालेंगे उसकी स्टफिंग में, तो वो काट के बारीक बारीक रख लिए हैं, काजू बादाम वगैरह और किशमिश। तो ये देखिए, बस इस तरह से अब हम आटा सान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, 1/2 किलो मैदा लिया हुआ है। इसमें हम जो है मौन देंगे थोड़ा, जिसमें कि जो हमारे ऊपर की कवरिंग रहती है वो भी थोड़ी नरम रहे, ज़्यादा कड़ी ना बन जाए, तो क्योंकि वो खाने में फिर अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आटा सान लिया, स्टार्ट कर दिया है, मतलब सबसे पहले मौन दिया है। मौन को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पानी डाल के, इसका जो आटा होता है वो इसी तरह का रहता है, बहुत गीला नहीं सानते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल ही मतलब आटा रहता है इसका भी। तो चलिए, हम फटाफट से इसका आटा सान लेते हैं और फिर उसको रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट में, यानी हाफ़ एन आवर के बाद ही। आप कोई भी, जब भी आप आटा सानते हैं तो उसको हाफ़ एन आवर के बाद यूज़ करिए, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा और मतलब जो आटा आपका अच्छे से सेट हो जाता है, तो हमें इतना टाइम तो उसको देना ही चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आटा सानना स्टार्ट कर लिया है और फिर हम जो है गुजिया मतलब बनाएंगे। तो ये देखिए, मेरा आटा सान लिया है मैंने और उसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट के लिए भी छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं, आटा काफ़ी सॉफ्ट भी है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो ये देखिए, जो मैंने सूजी भूंजी हुई थी वही खोबे वाली कढ़ाई में उसको भूंजा हुआ था, तो उसमें हम डाल लेते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, उसको ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे खोवा, खोवा को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें जो आपके ये है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से मिक्स करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि यानी हमको अंदाज समझ में आता रहे। तो उसके बाद इसमें डालेंगे वही पिसी हुई शक्कर, जिससे कि हमारा जो स्टफिंग करना है हमको गुजिया में, वो जो है स्टफिंग का मटेरियल वो रेडी हो जाए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से मिलाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा खोबा डाल के, और फिर अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये बना हुआ है। तो ये देखिए, हमारी गुजियों का जो कसार है वो बनके रेडी हो चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है। खोबे को हमने अच्छे से भूंज लिया है तो इसीलिए उसका जो कलर भी है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, अब हम बनाने बैठते हैं गुजिया। तो ये देखिए, इसके लिए हम छोटी छोटी सी लोई बनाते हैं, मैदे के आटा जो हमने साना हुआ था उसकी छोटी छोटी लोई बना के बेल लीजिए, जैसे हम पपड़ियाँ या पूड़ी वगैरह बेलते हैं उतने साइज़ की। और उसके बाद उसमें चम्मच से जो आपने ये स्टफिंग का मटेरियल बनाया है, जो कसार बनाया है खोबे का, उसको फिल कर लीजिए और उसको जो है दोनों साइड से कहीं पर मतलब ये इस प्रकार के सांचे भी आते हैं जो डायरेक्ट गुजिया जैसा कट हो जाता है, लेकिन हमारे पास वैसा वो सांचा नहीं है तो हम अपने हाथों से ही उसको इस तरह से बनाते हैं। कटिंग के लिए एक प्रकार का चाकू है जो थोड़ा डिज़ाइन में कट कर देता है, लेकिन वैसा वाला जो सांचा आता है वो नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से पूड़ी जैसा जो है मैदे को मतलब बेल लिया है। अब उसमें मैं ये कसार जो बनाया है हमने उसको फिल करेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से आप अपने यानी जितनी बड़ी आपने वो बनाई हुई है उस हिसाब से आप फिल करिए, एकदम खाली खाली भी गुजिया ना लगें सीखने पर। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्टफिंग कर दी है, उसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, प्रे मिला लीजिए उसको, मतलब दोनों साइड से अच्छे से चिपका लीजिए और फिर उसको कट कर दीजिए। जो मैं एक चाकू जैसा है उससे हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है, तो अच्छी भी दिखती है और मतलब देखने में अच्छा दिखता है जब हम उसको फ्राई करके देते हैं किसी को खाने के लिए या पूजा में चढ़ाते हैं। तो ये देखिए मेरी जो एक गुजिया है बन चुकी है। इसी तरह से मैं सारी गुजियाएँ बना लूँगी और फिर हम उसको एक एक करके फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने गुजिया इस तरह से जितनी थी बना ली हैं, बना के रख ली हैं और फिर मैंने तेल जो है गर्म होने रख दिया है और उसमें हम यही मीडियम फ्लेम में लो फ्लेम में ही हम गुजिया को भी सेकेंगे जिससे अच्छे से सेकें वो अंदर तक। तो देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी गुजिया बनके रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से मैंने उसको रख लिया है, अलग से पूजा की अलग निकाल ली है क्योंकि बच्चे खाने भी लगते हैं। तो इस तरह से आपको अगर मेरी ये रेसिपी जो है गुजिया की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब जो है हम आपके साथ इसी तरह से नए नए जो वीडियोस हैं या नए नए जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं जो भी मैं बनाती हूँ उसको मैं लेकर आऊँगी अगली बार। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।